तो फ्रेंड मैन्युअली टारगेट कैसे करना है आपको, फ़ोन का रीड राइट पार्टीशन, पार्टीशन आप रीड कर सकोगी राइट कर सकोगी, आप मैन्युअली आपको यूजर डाटा फॉर्मेट करना है, FRP फॉर्मेट करना है, सारे कुछ कर पाओगी। लेकिन जब तक आप वीडियो पूरा देखोगे तब तक आपको पता चलेगा, अगर वीडियो स्किप करोगी तो पता नहीं चलेगा। तो चलिए, तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग, आशा करते हो ठीक होंगे अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि कॉलकॉम का डिवाइस आता है हम लोग को पास, और हम उसे मैन्युअली कैसे टारगेट कर सकते हैं, उसका पार्टीशन वगैरह, तो सारे कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर आप नए हों चाहे पुराने हों, फिर भी आप वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो हम लोग बात करेंगे कॉलकॉम का सेट के बारे में, जितने भी कॉलकॉम का डिवाइस होता है हम लोग का, तो उसके बारे में बात करेंगे, और टूल हम लोग यूज़ करेंगे अनलॉक टूल। तो अनलॉक टूल का मतलब अनलॉक टूल से आप लोग क्या क्या कर पाओगी, और इसमें सिस्टम क्या होता है, पार्टीशन मैन्युअली टारगेट कैसे आप कर पाओगी, कोई भी पार्टीशन को रीड राइट फॉर्मेट, उसके बाद फ्रेमवेयर रीड करना, तो सारे कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बहुत ही बड़ा वीडियो होने वाला है, लेकिन आप देखना ध्यान से, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैं अनलॉक टूल खोल के रखा हूँ, तो ये अनलॉक टूल के अंदर मैं सिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास अनलॉक टूल है तब भी देखना, अगर आपके पास नहीं है फिर भी देखना, क्योंकि आपका आगे काम आने वाला है ये वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक फ़ोन रखा हूँ, आपका रेडमी 8A का फ़ोन है, तो इसमें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपका पास कोई फ़ोन आए हैंग ऑन लोवो वाला, जैसे सोचिए आपका कस्टमर आपके पास लेके आया फ़ोन हैंग ऑन लोवो में, और उससे आपको डेट भी नहीं करना है, और आपको सिंपली मतलब सेफ तरीके से उस पर काम करना है। कैसे सेफ तरीके से काम कर पाओगे आपको सारे कुछ मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर में। तो आपके पास हैंग ऑन लोवो वाला फ़ोन आया और आपने फ्लैश किया, चाहे फॉर्मेट किया, फ़ोन हो गया डेट, और कस्टमर आपका मतलब वो तो समझ सकते हो, कस्टमर आपके ऊपर प्रेशर करेगा तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैसे बच सकोगे सारे कुछ मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मतलब मैन्युअली टारगेट कैसे किस तरह से करता है फ़ोन आपको। तो मैन्युअली टारगेट आपको मैन्युअली टारगेट कैसे करना है, तो ये रेडमी 8A का फ़ोन है, मेरा हाथ पर है, तो मैं इस पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। तो सपोज सोचिए आपके पास कोई भी फ़ोन आया, तो आपको उसको मैन्युअली टारगेट करके अनलॉक करना है, या पर फिर जो भी करना है आप कर पाओगी। कैसे कर पाओगी, सबसे पहले आपको मॉडल पता होना चाहिए फ्रेंड। तो मॉडल तो फ्रेंड मैन्युअली टारगेट कैसे करना है आपको, फ़ोन का रीड राइट पार्टीशन, पार्टीशन आप रीड कर सकोगी राइट कर सकोगी, आप मैन्युअली आपको यूजर डाटा फॉर्मेट करना है, FRP फॉर्मेट करना है, सारे कुछ कर पाओगी। लेकिन जब तक आप वीडियो पूरा देखोगे तब तक आपको पता चलेगा, अगर वीडियो स्किप करोगी तो पता नहीं चलेगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो आपको मॉडल पता होना चाहिए, मॉडल पता होने के साथ साथ आपको इस पर आपको कनेक्ट करने का प्रोसेस भी आना चाहिए, मतलब हम लोग कॉलकॉम डिवाइस ज़्यादातर MI वाला टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट होता है, तो इसे आपको पता होना चाहिए फ्रेंड। अगर पता नहीं है तो आप लोग गूगल सर्च कर लेना, मैं दिखाता हूँ एक बार। तो फ्रेंड जस्ट मैंने गूगल खोला, उसके बाद मैं इस पर सबसे पहले मोबाइल का मॉडल नंबर लिखूँगा, रेडमी 8A। इसमें आपको EDL या टेस्ट पॉइंट जो भी आप लिख सकते हो इसमें से लिख लेना। तो EDL टेस्ट पॉइंट मैंने सर्च किया, उसके बाद आपको इमेज काफ़ी सारा आ जाएगा, तो इसमें आपको इमेज पे क्लिक करना है फ्रेंड। क्लिक करोगे तो आपको सामने में ऐसे आएगा, तो आपको मैच करना है अपना बोर्ड का साथ, जो मेरा बोर्ड सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो आपको पता चल जाएगा यही यही है, तो आपको ये पता चल गया है। अभी आपको इस फ़ोन को सोचिए आपको मैन्युअली टारगेट करना है, सोचिए इससे आपको फॉर्मेट करना है। तो आप कैसे कर पाओगी, तो सबसे पहले देखिए अनलॉक टूल मैंने खुल के रखा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉलकॉम में जाइए, ये कॉलकॉम वाला है, तो इसे मैंने टिक किया, कॉलकॉम वाला टैब मैंने क्लिक किया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए इसमें सर्विस लिखा है फ्रेंड, ध्यान से देखना वीडियो, इस पर सर्विस लिखा है, इस पर आपको टिक मार्क कर देना है। जैसे टिक मार्क करिएगा ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ब्रांड सेलेक्ट करना पड़ेगा फ्रेंड, तो ब्रांड हम लोग का फ़ोन का है Xiaomi, तो जस्ट मैंने Xiaomi इस पर लिखा, Xiaomi का आ गया। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड इसमें मॉडल सेलेक्ट, इसमें मॉडल लिखा हुआ है, तो हम लोग अभी मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे रेडमी 8A। तो देखिए फ्रेंड ये आ गया आपका रेडमी 8A, तो इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप आपको क्या करना है फ्रेंड देखिए, तो इस पर देखिए आपको रीड GPT लिखा है,
रीड जीपीटी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करिएगा ये पोर्ट मांगेगा, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है फ्रेंड, ये डाटा केबल रहा, इससे डाटा केबल रहा, उसके बाद आपको एक ट्वीज़र लेना है, ट्वीज़र लीजिए, उसके बाद ये दोनों पॉइंट अभी दोनों को हमको दोनों पॉइंट को ट्वीज़र के माध्यम से दोनों को शॉर्ट करना है। देखिए पकड़ के रखा हूँ, शॉर्ट किया हूँ, उसके बाद मैं डाटा केबल कनेक्ट करता हूँ। तो फ्रेंड देखिए हम लोग इसका टेस्ट पॉइंट तो पहले कंफर्म कर लिया गूगल से, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना है। ये जो बैटरी है इसे डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा, नहीं तो कभी कभी शॉर्ट हो जाता है फ़ोन। तो उसके बाद आपको ये दोनों टेस्ट पॉइंट इस पर दिख रहा है, इसे हम लोग ट्वीज़र के माध्यम से दोनों को शॉर्ट करेंगे। जैसे शॉर्ट किया, उसके बाद हम लोग डाटा केबल है इस पर कनेक्ट करेंगे। जैसे डाटा केबल मैंने कनेक्ट किया, देखिए पोर्ट आ गया आपको कॉलकॉम वाला, लेकिन आपका पीसी में कॉलकॉम का ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए, तब जाके होगा। तो फ्रेंड देख पा रहे हो इसका जो पार्टीशन जो भी है फ़ोन के अंदर सारे इसमें शो करने लग गया। देखिए इसमें जितने भी पार्टीशन है सारे कुछ इसमें देखने लग गया। आपको अभी सोचिए आपको इसका इस फोन का आपको अनलॉक करवाना है, तो अनलॉक कैसे कर पाओगे मैनुअली टारगेट। तो देखिए फ्रेंड यूज़र डाटा ये है, तो सिंपली इस पर आपको राइट क्लिक कर देना है। देखिए इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, जैसे इसे आप इसे टिक मार्क करके राइट क्लिक कीजिएगा, आपको इस पर देखने को मिल जाएगा। तो इसमें से आप क्या करोगी, ये जो दिख पा रहे हो फ्रेंड इरेज यूजर डाटा, तो आप इसे सिंपली अगर ओके कर दोगे तो ये इसका यूजर डाटा फॉर्मेट हो जाएगा और आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो सिंपली आप इसे फॉर्मेट भी कर पाओगी यहाँ से और राइट भी कर पाओगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए आप यहाँ से रीड भी कर पाओगी। तो यहाँ से आपको एक सिस्टम का पता चल जाएगा, पता मैनुअली टारगेट किसे कहते हैं। तो सिंपली आपको जीपीटी रीड जीपीटी पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको फ़ोन कनेक्ट कर देना, उसके बाद आपको जितना भी फ़ोन का पार्टीशन इसमें आएगा सब देखने को मिल जाएगा। तो देख पा रहे हो जितने भी पार्टीशन है, तो इसमें से आपको कोई भी पार्टीशन अगर मिसमैच हो गया आपको रीड राइट करना है तो आप कर पाओगे यहाँ से, कोई झंझट वाला काम नहीं है। सिंपली आपको फ़ोन को अनलॉक करवाना है फ्रेंड, तो आप यूज़र ये देख पा रहे हो यूज़र डाटा, इसमें आपका यूज़र डाटा रहता है, ये आपका इसमें स्क्रीन लॉक भी रहता है, तो इसे आप मैन्युअली टारगेट करके फॉर्मेट भी कर पाओगे। कैसे कर पाओगे मैं दिखाता हूँ फिर से एक बार। तो इसमें आपको एक बार इसमें क्लिक कर देना है, एक बार क्लिक करें आप, उसके बाद राइट क्लिक फिर से करना है, राइट क्लिक कीजिएगा, इस ऑप्शन आएगा। तो इसमें देखिए आपको इरेस यूज़र डाटा दिख रहा है, तो सिंपली आपको इसमें यूज़र डाटा इरेस पे ओके कर देना है। जैसे करिएगा आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, यूज़र डाटा इसका हट जाएगा, मतलब यूज़र डाटा फॉर्मेट हो जाएगा, फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको FRP करना है फ्रेंड, सोचिए इसी सिस्टम से आपको FRP करना है, तो आपको FRP फाइल इसमें मिल जाएगा आपको देखने को, अगर FRP होगा तो इसमें शो करेगा। तो हम लोग ढूंढेंगे कहाँ पर है FRP, तो इसमें आपको देख लेना है। तो अभी इसमें FRP नहीं है इस फ़ोन में, तो इसमें जितने भी पार्टीशन है उससे आप रीड राइट कर पाओगी। सिंपली प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है, मॉडेम का फाइल है इसमें आपको, देखिए इसमें रीड इस फाइल को अगर आपको रीड करके रखना है फ्रेंड, तो आप सिंगल सिंगल फाइल को आप रीड करके रख पाओगी। सोचिए आपको मॉडेम 1 मॉडेम 2 का फाइल आपको रीड करके रखना है, आपको कभी ज़रूरत पड़ सके तो आप यहाँ से रीड कर पाओगे। सिंपली आपको इस पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको रीड पे क्लिक कर देना है। जैसे रीड पे क्लिक कीजिएगा एक फोल्डर मांगने लगेगा, तो आपको सिंपली डेस्कटॉप पे रखो चाहे भी रखो, आपको एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। फोल्डर मैंने बना लिया, देखिए मैंने एक फोल्डर बना लिया, इस पर मैंने लिख दिया रेडमी 8A VA बैकअप NB डाटा। तो फ्रेंड ये मैंने फोल्डर का नाम दे दिया, उस पर कुछ नहीं है, फोल्डर का नाम मैंने दे दिया, उसके बाद इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है, उसके बाद अब सेव देखने को मिल जाएगा। सिंपली ये जो फाइल है ये आपका रीड हो चुका है, मैं दिखाता हूँ एक बार आपको इसको मिनिमाइज करके। फाइल कहाँ गया हम लोग का रेडमी, ये देखिए फ्रेंड ये मैंने फाइल क्रिएट किया, इसमें आ गया आपका, ये देख पा रहे हो मॉडेम 1 का फाइल इस पर रीड हो गया, मतलब इस पर आ गया है आप बैकअप, इस तरीके से होता है फ्रेंड। और आप इसे फॉर्मेट भी कर पाओगे यहाँ से देखिए इरेज भी कर पाओगे, इरेज करके फिर दोबारा आप राइट भी कर पाओगे। राइट आपको इस तरह से करना है, सिंपली आपको इस पर दिख रहा है राइट, इस पर आप क्लिक कीजिए,
आपको फाइल पूछेगा कहाँ पर है, सिंपल आपका ये फाइल है इस पर देना है लोड, उसके बाद ये फाइल राइट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आपको जो भी आपको पार्टीशन रीड या राइट या टारगेट करना है आप यहाँ से कर पाओगे। और आपको डायरेक्टली अगर हैंग ऑन वाला लोबो है, आप सारे फाइल को आप रीड करना चाहते हो, तो आप कैसे कर पाओगे मैं दिखाता हूँ फ्रेंड। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड, आपने इसने रीड GPT कर लिया, उसके बाद सारे पार्टीशन इस पर शो करने लग गया फ्रेंड। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस फ़ोन का फ्रेमवेयर आपको रीड करना है, इस फ़ोन का जितना भी फाइल है आपको सारे को रीड करना है। किस तरह से कर पाओगी देखिए, ध्यान से देखिए। तो इस पर देखिए, आपको इसमें कभी भी क्लिक मत करना, नहीं तो इरेज हो जाएगा सारे, नहीं तो आपको झमला हो जाएगा। तो सिंपली आप इस पर देखिए, इस पर रीड लिखा है, तो मैंने सिंपली इसे क्लिक किया एक बार। क्लिक करने के बाद मैंने इसी फाइल को सिलेक्ट किया, इसी फाइल को मैंने सिलेक्ट किया, ये सारे जितने भी फाइल है इस पर, जितने भी पार्टीशन है सारे रीड हो रहे हैं, एक एक करके देख पा रहे हैं इस पर लिखा है। और इस चीज़ करने से आप क्या होगा मैं आप लोगों को बोलता हूँ, कभी भी आपका पास हैंग ऑन वाला फ़ोन है आपको तो ये करना ही करना है, क्योंकि कभी आप इस पर काम करोगी तो फ़ोन डेड हो गया, फिर दोबारा आप इस फाइल को इसे राइट कर पाओगी और फ़ोन जैसे था वैसे ऑन हो जाएगा। देखिए अभी ये सारे रीड हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फोल्डर में जाके। तो फ्रेंड देखिए, तो फ्रेंड देखिए ये हम लोग का फोल्डर है, और इसमें मैंने सारे पार्टीशन को रीड किया, तो देखिए सारे पार्टीशन इस पर आ गया है, सारे पार्टीशन इस पर आ गया है। तो इसी तरह आपको भी करना है, कोई इतना झंझट वाला काम नहीं है। तो अभी ये सारे फाइल को रीड कर रहा है और इसका ओरिजिनल फाइल भी रीड कर रहा है। आप इसको रीड करने के बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगा, उसके बाद आप जो भी करो फ़ोन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फ़ोन डेड हो जाए फिर भी आप दोबारा इस फाइल को राइट कर दोगे, फ्लश कर दोगी, आपका फ़ोन फिर से दोबारा ऑन हो जाएगा। सारे थोड़ा टाइम लग सकता है, आप लोग वेट कर लेना। तो मैं आप सिंपली आप लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूँ, मैं इसे होने दीजिए, मैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसे फिर से कैसे आप फ़ोन पे राइट कर पाओगी। इसे होने दीजिए। और तो फ्रेंड आपको काम करने में घबराना नहीं है, सिंपली काम है, आपको खाली ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आपका पास चला गया और आप क्लिक किया ठीक से देखा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर यूट्यूब पर मिल जाए मत सोचना चाहिए फेक होगा, ये सब काम आपको अगर आप सॉफ्टवेयर क्लास लोगी तब भी आपको ये सब प्रोफेशनल तरीका होता है, यही सब आपको सिखाएगा। और ये सब फ्री में सीखने को नहीं मिलता है, ये सब पेट है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो भाई ये हो गया है, अभी सिंपली क्या करना है आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। देखिए इस पर आपका सारे फाइल आ गया है, और कॉलकॉम में आप जानते हो रो प्रोग्राम वाला चाहिए, ये देखिए रो प्रोग्राम 0 इस पर आ गया है, इससे आपका फ्लैश होगा फ़ोन। तो सिंपली मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, अनलॉक टूल फिर दोबारा मैं ओपन करता हूँ, उसके बाद रिबूट पे क्लिक करता हूँ, फ़ोन रिबूट हो जाएगा। तो हम लोग का फ़ोन रिबूट हो गया, निकल चुका है, अभी मैं इसे डिसकनेक्ट कर देता हूँ। अभी आप सोचिए आप फ़ोन को आपने रीड कर लिया, आप सेफ हो गया, अभी फ़ोन आपके हैंग ऑन लो है, आपने दूसरा फाइल से फिर फ्लैश किया, फ़ोन हो गया डेड। तो आप अभी आपको फिर से दोबारा अभी जो फाइल आपने रीड किया उस फाइल को आप दोबारा फ़ोन में डालना चाहते हो, तो कैसे डाल पाओगे मैं दिखाता हूँ। तो आपने फ्लैश पर गया फ्रेंड, इस पर गया, मैं इसे एक बार काट देता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसे एक बार क्लोज करता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ अनलॉक टूल, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड देख पा रहे हो मैं अनलॉक टूल को क्लोज करके फिर दोबारा से ओपन कर चुका हूँ, तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो जो भी भाई नया देखो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और आगे शेयर करना। आगे अगर आप चाहते हो आगे भी इसी तरह प्रोफेशनल आप लोग देखना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो सॉफ्टवेयर नॉलेज हार्डवेयर नॉलेज, तो सारे कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ आप दोबारा उस फाइल को कैसे राइट कर पाओगी, या फ्रेम वेयर बोलते हो फ्लैश बोलते हो जो भी है, जो अभी हम लोग राइट किया इसका पार्टीशन सारे फ्रेम वेयर, उसे हम लोग फिर से इस फोन को डालेंगे। तो कैसे डालेंगे सबसे पहले देखिए, मैंने कॉलकॉम पर गया, इसमें मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने फ्लैश पर क्लिक किया। उसका आपको क्या करना है देखिए, इस पर आपको फ्रेम वेयर लिखा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। मैंने फाइल कहाँ पर रखा,
डेस्कटॉप पर रखा, डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद कहा गया Redmi, ये देखिए ये आ गया, इसे मैंने लोड किया। तो फ्रेंड देख पा रहे हो इसका जितना भी सारे फाइल था वो फिर दोबारा इस पर आ गया, देख पा रहे हो फ्रेंड सारे फाइल इस पर ऐड हो गया। अभी आपको क्या करना है फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना है, आपको फ्लैश पे क्लिक कर देना है, फ्लैश पे क्लिक करिएगा, उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसका ADL पॉइंट को शॉर्ट करना है ट्विजर के माध्यम से, उसके बाद आपको डाटा केबल लगा देना है, सिंपली आपका फ़ोन फ्लैश हो जाएगा और जैसे ओरिजिनल था, जैसे पहले था उसी तरह से आपका फ़ोन दोबारा हो जाएगा, कोई टेंशन का बात नहीं। ये फ़ोन मुझे नहीं करना, मैं इसलिए नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये सब किया हूँ, लेकिन ये टेस्टेड वीडियो है और ये प्रोफेशनल वीडियो है, आप लोग ध्यान से देखना, शुरू से लास्ट तक देखना। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।